गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो टूडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5 नेचुरल सोर्सेज. सो अर्लियर वी ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. रेक्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इन सेंटेंसेस को रेक्टिफाई करना है. रेक्टिफाई मीन्स होता है करेक्शन, करेक्ट करना है. दीज सेंटेंसेस आर रॉन्ग, हैव टू रेक्टिफाई. इट मीन्स करेक्ट दीज सेंटेंस. सो फर्स्ट सेंटेंस इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन लिमिटेड अमाउंट्स एंड कैन नॉट बी रिप्लेस इजीली. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, दिस इज रॉन्ग. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. सो वी विल राइट नॉन रिन्यूएबल इन द प्लेस ऑफ रिन्यूएबल. ओके, सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन लिमिटेड अमाउंट्स एंड कैन नॉट बी रिप्लेस इजीली. नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर यूजिंग अप नेचुरल सोर्सेज स्लोअर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड. वी आर यूजिंग नेचुरल सोर्सेज स्लोअर? नो, वी आर यूजिंग नेचुरल सोर्सेज फास्टर. सो द वर्ड स्लोअर इज रॉन्ग एंड वी विल रिप्लेस दिस वर्ड बाय faster. So again we write the sentence and change the word slower with faster. Okay, so we are using up natural sources faster than they can be replaced. Now next sentence is only 97% of the water available on the earth can be used by humans. 97.2% water available hai earth pe jo hum use kar sakte hain. No, only 2.8. so 97.2 के प्लेस पे हम लिखेंगे 2.8%. only 2.8% of the water available on the earth that can be used by humans. now number 4 sentence, the rain water that seeps into the earth is called surface water. रेन वाटर सीप्स इन टू द अर्थ सरफेस. अर्थ के अंदर जो सीप, अर्थ के अंदर जो जाता है बहते हुए, उसे हम सरफेस वाटर बोलते हैं. नो, इट्स कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. सो वी विल राइट अंडरग्राउंड वाटर इन द प्लेस ऑफ सरफेस वाटर. द रेन वाटर दैट सीप्स इन टू द अर्थ इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रिप इरीगेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर. हेल्प इन इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑफ वाटर. वाटर के वेस्ट को इंक्रीज करती है ड्रिप इरीगेशन. नो, इट्स रॉन्ग. ड्रिप इरीगेशन हेल्प इन डिक्रीजिंग वेस्टेज ऑफ वाटर. वाटर के वेस्टेज को डिक्रीज करती है ड्रिप इरीगेशन. सो वी राइट ड्रिप इरीगेशन हेल्प इन डिक्रीजिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर. ड्रिप इरीगेशन वेस्टेज ऑफ वाटर को डिक्रीज करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है. ओके, सो यू हैव टू करेक्ट दी सेंटेंस इन एज इट इज दैट आई डिड. जैसे मैंने किया है उसी तरीके से, उसी फॉर्म में आपको अपनी नोटबुक में, अपनी SST कॉपी में इस वर्क को करना है. ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट इनकरेक्ट सेंटेंस एंड देन यू हैव टू राइट करेक्ट सेंटेंस. ओके, that's all for today. I hope you all understand about this topic.